बाड़मेर शहर के गांधीनगर व इंदिरानगर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के घरों से बाहर आने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अब इन क्षेत्रों में रसद विभाग द्वारा दूध, सब्जी और किराना की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की जाएगी। विभाग द्वारा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर लिस्ट तैयार की गई है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर के 2 वार्डों के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में आम लोगों को आवश्यक घरेलू सामग्री की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नई व्यवस्था को लागू किया गया है। बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी, गांधीनगर कृषि मंडी और चामुंडा सर्किल क्षेत्र के आसपास किराने का सामान विक्रय हेतु बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार को नियुक्त किया गया है। वहीं इससे विभिन्न व्यापारियों को चिन्हित कर उन्हें अपने प्रतिष्ठान खोलने के लिए अधिकृत किया गया है। जिला रसद अधिकारी अश्विन गोजर ने बताया कि शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में दूध, सब्जियां और किराने का सामान के वितरण करने हेतु क्षेत्रवार दूध, सब्जी और किराना व्यवसायियों को अधिकृत किया जा रहा है। जो एरिया है वहाँ पे एसोसिएशन कमेटी जो है उसकी समस्या ना रहे और उसके लिए उपभोक्ता भंडार की जो वैन है हम उससे सप्लाईज करवा रहे हैं। तो अब आज शाम से जो है उपभोक्ता भंडार की जो हमारी वैन है जिसमें किराने का सामान वो उनको उपलब्ध हो जाएगा। जो दूध वाला है उसको भी हमने पास जारी कर दिया है और सब्जी वाला जो है वो दिन में 2 टाइम। तो इन जो यहाँ के निवासी है उनको ये समस्या ना हो उसके लिए आज शाम से जो है व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो दोनों इलाके जो हैं अपने गांधीनगर की बात करें या फिर यहाँ की बात करें तो वहाँ पे जो राशन डीलर है उनकी फिर उनकी तरफ से सप्लाई जो है वो रोक दी गई है। जो राशन डीलर्स है वहाँ ऑलमोस्ट 98% के लगभग वितरण हो चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 98% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो गेहूँ वितरण की तो समस्या है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो किराने का सामान है क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल सकते उसको ध्यान में रखते हुए जो किराने के सामान के लिए जो उपभोक्ता भंडार है उनकी वैन में हम डोर टू डोर जो है वो उपलब्ध करवा देंगे। और जिनके अगर राशन या फिर दाल वगैरह अगर लेना बाकी रहा है तो उनका भी डोर टू डोर होगा। हाँ, उनका डोर टू डोर होगा बिल्कुल। जो कर्फ्यू एरिया है उस एरिया के अंदर अगर राशन डिलीवरी किसी की रह गई है, कोई दाल या फिर गेहूँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का रह गया, वैसे बहुत रेयर है बट अगर रह गया है तो उनका फिर डोर टू डोर होगा। बाड़मेर शहर के नगर निगम क्षेत्र स्थित दोनों कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में होम डिलीवरी हेतु विभिन्न फर्मों को अधिकृत किया जा रहा है। इनके द्वारा कर्फ्यू क्षेत्र में 300 रुपए और शेष क्षेत्र में 500 रुपए की न्यूनतम की सामग्री क्रय पर होम डिलीवरी निःशुल्क दी जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से क्षेत्रवार लोगों को मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं जहां ऑर्डर देने पर घर तक सामान जल्द ही पहुंचाया जाएगा। बाड़मेर जिला रसद अधिकारी अश्विन गुजर और प्रवर्तन निरीक्षक खेमाराम ने सोमवार को इंदिरा कॉलोनी और गांधीनगर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर नई व्यवस्था को जल्द शुरू करने को लेकर व्यवस्था देखी।